खबर यूपी के बदायूं से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वादी बबलेश सक्सेना सहित कई ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक महेश चंद्र और उनके परिवार जनों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विधायक के परिवार के लोगों ने ग्राम प्रधान और पूर्व लेखपाल की मिली भगत से सरकारी जमीन को फर्जीवाड़ा करके अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी शिकायत वादी ने एडीएम कोर्ट में की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भूमि को कब्जा मुक्त कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिस पर ग्रामीणों ने अभी तक कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित गौरी शंकर ने आरोपियों पर कार्रवाई से तिल मिलाकर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद दबंगों ने वादी बबलेश सक्सेना पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर फर्जी मुकदमा करा दिया। विपिन कहाँ रहते हो? दहेगवा। क्या मामला है जी, यहाँ तुम जो खड़े हुए, क्या मामला है जरा बताओ। तो ऐसे ही सुनाइए सर कि ये अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा किस पे? इस स्कूल पे, सरकारी जमीन है ये ऐसे, और यहाँ की केस चल रहा है, इस पे जीत भी हुई है, लेकिन फिर भी इस पे कोई देखभाल नहीं हो रही। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों रोक रखा है ये, आगे क्यों ना बढ़ रहे हैं। कब्जा किसने कर रखा है? कब्जा जिला मंत्री महेश चंद्र गुप्ता है। आपका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा कहाँ रहती हो? नहीं रहती हूँ। देख क्या मामला है, क्या कहना चाहती हो आप? कब्जा कर लो महेश ने। तो इस बारे में आपने कभी उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की? की है। फिर क्या हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फूरन। क्या मामला है? ये मामला ये है, इस पर केस चल चुका है और सब लोगों ने फाइन कर दिए हैं, इसकी कोई टूट फूट नहीं हो रही। ये योगी जी हर जगह निगाह रख रहा है, लेकिन यहाँ कोई निगाह नहीं है। यहाँ हर आदमी ये टूटेगा नहीं, ये अवैध कब्जा है बिल्कुल। और योगी जी के यहाँ कोई खबर नहीं पहुँच रही क्या है? हर जगह योगी जी तोड़वा रहे हैं, हर काम करा रहे हैं, फिर इसको क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं? ये हर जो सब यहाँ पर ये बिल्कुल अवैध कब्जा, हर किसी से पूछिएगा, सरकारी जमीन है ये, खलियान की जमीन है। अच्छा, इसके अलावा कोई और जमीन पर भी बवाल है? हाँ, और भी जमीन है। और ये लोगों को ये भी सोचते हैं कि इनको धमकाओ, इनको लड़ाओ आपस में धमकाओ। कोई भी आदमी अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको गोली से मरवा देंगे, बदमाशों से, ये भी कहते हैं। कौन कहता है ये? महेश, सुभाष, हरीश, मैंक, ये कहते हैं कि हम उठवा देंगे उसको, और आदमी भी लगा रखे हैं इन लोगों ने। श्रीमान जी, मामला ये है कि नगर पंचायत दहगमा की एक सरकारी जमीन है, जिस पर सदर बदायूं के विधायक जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर उस सरकारी ज़मीन पर, इसकी गाटा संख्या 355 है, उस पर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उस पर एक प्राइवेट विद्यालय का निर्माण करा दिया और उस विद्यालय के संरक्षक खुद बन बैठे। इसकी शिकायत हमने डिस्ट्रिक्ट बदायूं के सभी बड़े अफसरों से की, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने CGM कोर्ट महोदय के यहाँ पर इनके खिलाफ एक बात दायर किया, और इसी तरह के अपराध इन सदर बदायूं के विधायक महेश चंद गुप्ता और इनके परिवार के लोगों ने कई अपराध ऐसे इस तरह के किए हैं, जिनकी शिकायत हम पहले से करते रहे हैं और उन पर हल्की फुल्की कार्रवाई भी होती रही। इससे खिसियाकर सदर बदायूं के विधायक महेश चंद गुप्ता ने हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा लिखवाया, साजिश के तहत, जिसमें कि इन्होंने भ्रमित होकर, क्योंकि पूरा मुकदमा जो है, झूठा मुकदमा जो है, वो सदर बदायूं विधायक महेश चंद्र गुप्ता के संज्ञान में लिखा गया। इन्होंने ही जो वादी हैं वो इनके समर्थक हैं, इन्होंने खुद मतलब जो अपने मुंह से कहा है कि वादी जो हमारा समर्थक है, जिसने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया,
उसको तो हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, ना वो हमें जानता है ना हम उसे जानते हैं। इन्होंने ही उसे पुलिस में हमारे पिताजी का नाम बताया, जो कि इन्होंने भ्रमित होकर गलत बताया। इन्होंने हमारे ताऊ जी का नाम लिखवाया हुआ। हम चाहते हैं इस पूरे मामले की उच्च स्तर पर जाँच हो और झूठा पाया जाने पर सदर बदायूं के विधायक महेश चंद गुप्ता और जो वादी है हंस प्रताप, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो बिल्डिंग है प्राइवेट विद्यालय, जिस पर कि हमने कार्रवाई के लिए अफसरों से शिकायत की, उसका हमने हाई कोर्ट से उस बिल्डिंग को गिराने के लिए एक आदेश पास करा दिया है। अब ये बिल्डिंग बहुत जल्द से जल्द गिराई जाएगी।